फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और आज का व्लॉग मेरा इवनिंग से स्टार्ट हो रहा है। इवनिंग मतलब रात का ही। यहाँ पे मैं भी खाना बना रही हूँ और आज मैं बनाने जा रही हूँ करेले। तो ये मैंने करेले कट कर लिए हैं। गैस में मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है और मैंने डाले हैं सरसों का तेल और प्लस मैं डालूँगी प्याज। तो प्याज मैंने मोटा मोटा ही काटा है, तो प्याज मैंने डाल लिया है और प्याज को मैं अच्छे से भून लूँगी। और यहाँ पर मैं करेले बना रही, तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप सरसों के तेल में बनाइए। सरसों के तेल में ना ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, अच्छे लगते हैं। और बहुत सिंपल सी रेसिपी है, इजी सी है, कुछ ऐसा है नहीं इसमें। और उसके बाद मैंने इसमें डाल लिए हैं करेले। तो पहले मैंने प्याज डाल लिए थे और उसके बाद मैंने डाल लिए हैं करेले। तो मैं इन्हें अच्छे से मिला लूँगी और प्लस इन्हें अच्छे से सिम गैस में अच्छे से मैंने भून लूँगी। तो इस टाइप में बहुत ईजीली बन जाते हैं और बहुत टेस्टी भी होते हैं। तो बस उसके बाद मैंने इसे थोड़ा सा ढक लिया है और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी नॉर्मल से मसाले, जो नॉर्मल मसाले हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें नमक डाल दिया है प्लस लाल मिर्च हल्दी मसाला डाल लूँगी। और मैं कुछ नहीं डालूँगी एक्स्ट्रा, जैसे टमाटर अमचूर में जो ऐसा कुछ भी नहीं डालना है। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी जो आम का अचार होता है ना, ये देखिए यहाँ पे, वैसे मैंने डाल लिया था, मैं क्लिप लेना भूल गई, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। आम का अचार प्लस जिसमें हल्की सी ग्रेवी होती है ना, वो डालूँगी और आप भी ज़रूर डालेगा, तो बहुत टेस्टी लगती है। तो बस यहाँ पर ये बन हो चुकी है रेडी। उसके बाद ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का। और यहाँ पे आज मैं धुल रही हूँ कपड़े। तो यहाँ पे ना मेरा जो कैमरा था वो अच्छे से सेट नहीं हो पाया था, तो अच्छे से दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे मैं आज कपड़े धुल रही हूँ और कपड़े धुल रही हूँ मैं आज हाथ से। तो थोड़े ही कपड़े थे, बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं थे, बच्चे स्कूल जा रखे थे। तो बस यहाँ पर मैं बैठ गई थी कपड़े धोने के लिए, क्योंकि छोटे छोटे कपड़े होते हैं, तो जैसे आजकल होते हैं ना गर्मियों में, छोटे छोटे कपड़े होते हैं, ईजिली हाथ से धुल जाते हैं। तो बस यहाँ पे बैठ के मैं हाथ से धुल लूँ, फिर मशीन में वो ये हो जाता है कि अगर ज़्यादा कपड़े हैं, भारी कपड़े हैं, तो मशीन लगा लो, लेकिन जब कम कपड़े होते हैं, हल्के कपड़े होते हैं, तो मैं हाथ से ही धुल लेती हूँ। हेलो, गुड आफ्टरनून और मॉर्निंग के मेरे सारे काम निपट चुके हैं। नहाना धोना मेरा हो चुका है, बच्चे गए हुए हैं स्कूल, स्कूल के बस बच्चे आने वाले हैं कुछ देर में। काम निपट चुका है, नहाना धोना हो चुका है, लंच मैंने बना लिया है और आज धुले मैंने बाल, तो बाल अभी गीले ही हो रहे हैं बस। और कपड़े धुले थे मैंने हाथ से, क्योंकि थोड़े ही कपड़े थे ना, तो मैंने कहा चलो हाथ से धुल लेते हैं। यहाँ पर ना सीनरी बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है सीनरी। तो और पता है ऐसी सीनरी ना, अगर आप लोग देखते होंगे तो आद्या फैमिली व्लॉग है ना, तो उनके यहाँ भी है सेम ऐसी सीनरी है। आद्या जी, अगर आप मेरा व्लॉग देख रही हैं तो देखिएगा, सेम एडिट ऐसा ही है। तो बस आज कपड़े धुले थे मैंने हाथ से, तो मैंने चलो हाथ से धुल लेते हैं, होता ना कभी कभी मन के हाथ से धुल लेते हैं, तो आज मैंने हाथ से धुले। फिर बहुत ज़्यादा कपड़े भी नहीं थे, तो फिर मैंने बैठ के आज हाथ से, और प्लस टाइम भी था क्योंकि बच्चे भी आज स्कूल थे और हस्बैंड भी आज मॉर्निंग में जल्दी चल गए थे, तो बस टाइम था तो मैंने हाथ से धुल लिए थे। और मैं सोच रही हूँ बच्चों को आने में थोड़ा टाइम है, तो सोच रही हूँ उसे अलमीरा सेट कर लेती हूँ, क्योंकि कपड़े ना हौच पौच हो जाते हैं। अलमीरा ना कितनी भी सेट कर लो, कपड़े हौच पौच हो ही जाते हैं, हो ही जाते हैं। और फिर बच्चों की छुट्टियाँ भी पड़ने वाली है, तो बस कुछ हौच पौच ही रहेगी, पूरा घर ही हौच पौच रहेगा। और आज मॉर्निंग में मैंने गेहूँ भी धुले थे और धूप बहुत तेज है आज, बहुत तेज, कल तो खैर बारिश हो गई थी, उसके बाद मतलब उसके बाद तो कई दिन के बाद धूप हो गई थी, लेकिन आज बहुत तेज़ धूप है। और जैसे होता है ना धूल धूल सी होती है या वैसे, तो आज वैसा नहीं, क्योंकि कल बारिश इतनी अच्छी, तो साफ साफ सर बहुत तेज़ धूप है, तो गेहूँ मेरे अच्छे सूख जाएंगे, मतलब 2 या 3 दिन सूख जाएंगे। तो आटा मेरा ख़त्म होने को था, अभी ख़त्म तो नहीं हुआ है, लेकिन ख़त्म हो गया तो मगर टाइम से गेहूँ धुल देते हैं, क्योंकि फिर आजकल मौसम का ऐसे ही रहता है, कब बारिश हो जाए कब क्या हो जाए, तो टाइम का पता नहीं चलता। तो फिर ये है कि अपना टाइम से धुल लेते हैं, और मुझे थोड़ी सी अलमीरा सेट करनी है, तो फटाफट से अलमीरा सेट कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे आएंगे तो फिर बच्चों के पीछे बिजी हो जाऊँगी। और उसके बाद यहाँ पे मैं करने लगी हूँ अलमीरा सेट। तो मेरी अलमीरा थोड़ा बहुत हौच पौच सी हो रही थी, तो थोड़ा बहुत हौच पौच हो जाता है, जैसे कपड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं या तय ख़राब हो जाती है, जैसे बच्चे हैं या हस्बैंड हैं, ये कपड़े निकालते हैं तो आप कह सकते हैं चार कपड़े फैला देते हैं, तो अलमीरा फैली फैली सी हो रही थी। और बच्चों के स्कूल से आने में थोड़ा
टाइम था, तो बस जैसे मैंने कपड़े फोल्ड करके अलमीरा सेट की थी लगभग तब उसी समय बच्चे भी आ गए थे, तो बस वही हो जाता है पता है, सुबह से उठ जाओ और बच्चों के आने तक काम ही ख़त्म नहीं होते हैं। बस थोड़ा बहुत टाइम था तो मैंने कहा चलो आज मैं अलमीरा सेट कर लेती हूँ, क्योंकि होता है जब अलमीरा खोलते हैं तो फैली फैली बड़ी गंदी लगती है, बड़ा गंदा गंदा सा फील होता है। वैसे तो खैर अलमीरा दिखता कौन है अंदर होता है, लेकिन फिर भी खुद को ही अच्छा फील नहीं होता है। तो बस यहाँ पे हस्बैंड की टी शर्ट्स हैं और निकर हैं, तो उन्हें मैं अच्छे से सेट कर रही हूँ। तो सबसे ऊपर वाले पोर्शन में हस्बैंड के ही कपड़े रहते हैं, और उसके बाद जो नीचे वाला सेकंड पोर्शन है वो वाला भी मैं अच्छे से कर लूँगी। वहाँ मेरे बेटे के कपड़े हैं, तो कुछ डेली यूज़ के हैं, कोई कुछ नए हैं, तो उनको ही मैं अलग अलग कर रही हूँ, अच्छे से सेट कर रही हूँ। प्लस स्कूल के कपड़े भी थे, तो वाइट ड्रेस थी उसकी, वो मैंने अलग से निकाल ली थी क्योंकि नेक्स्ट डे उसे वाइट ड्रेस ले जानी थी। और उसके बाद में जो स्कूल की ड्रेस है उन्हें धुल के प्रेस करके और वो एक कह सकते हैं बैग में रख के और बेड में डाल दूंगी, क्योंकि फिलहाल बच्चों की छुट्टी पड़ जाएगी तो छोटी छोटी चीज़ें ना इधर उधर हो जाती हैं। उसके बाद बच्चे आ गए थे स्कूल से और यहाँ पे मैं इनका धुलवा रही हूँ हाथ मुँह। तो आने के बाद थोड़ी सी बच्चों ने रेस्ट किया, फिर होता है ना पानी वानी पिया, जूस वूस पिया, और अब मैं इसका साफ़ करके हाथ मुँह धुलवा दूंगी, क्योंकि बच्चे जगह जगह से आते हैं, गंदगी लगी रहती है, तो अच्छे से साबुन से मैं इसका हाथ मुँह धुला। बेटी तो खैर खुद से धो लेती है लेकिन इसका मैं धुलवा देती हूँ। वैसे धोने को ये भी धो लेता है लेकिन फिर मुझे ही अच्छा नहीं लगता क्योंकि बाहर से आए रहते हैं ना बच्चे, तो बस यहाँ पर मैंने इवनिंग का अच्छे से टाइम धुल दिया है है। और दिन में क्या मैं थोड़ी देर रेस्ट और लंबी चाय, तो शाम की चाय मेरी बन रही है और थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, बच्चों के टिफिन साफ करके रखे हैं, टिफिन है, बॉटल है और बहुत कुछ, बहुत सारे बर्तन थे आज, तो खैर दिन में कर लेते हैं। बर्तन क्लीन कर दिए हैं, बेटा भी सो रहा है, कपड़े हैं बहुत सारे कपड़े हैं तय लगाने के लिए, तो बस वही हो जा रहा है। दिन पूरा दिन कहाँ चला जाता है, टाइम का पता भी नहीं चलता, तो बस वही है, थोड़ी देर बच्चों के साथ ही रेस्ट कर लिया तो कर लिया, वरना तो रेस्ट नहीं हो पाता है, फिर पूरा दिन ऐसे लगे रहो लगे रहो, उसे उन्हीं समय लगा चला जाता है। और टाइम अभी 6 बज चुका है, तो खैर उठने में तो बहुत पहले उठ गई थी, लेकिन उसके बाद थोड़ा और जैसे मैं बोलता ना गेहूँ वेहूँ बाहर रखे थे तो और छोटे छोटे काम थे वो निपटाए मैंने, तो मैंने बोला चलो चाय बना लेती हूँ, चाय मैंने चढ़ा लिए, चाय बना लूँगी, चाय पी लूँगी, उसके बाद फिर मैं कपड़े तय लगाऊंगी और फिर वही रात के काम शुरू हो जाएंगे। तो बस वही सब है, और मैं वीडियो का भी कर दूँगी एंड, क्योंकि वीडियो लंबा जाता है फिर कोई देखता भी नहीं है, पता नहीं लंबा होगा छोटा होगा तो मुझे नहीं पता, आजकल मेरी वीडियो बस ज़्यादा लंबे हो नहीं पा रहे, छोटे छोटे ही जाने, तो बस वीडियो को यहीं पर एंड कर दूँगी, फिर लंबा हो जाता है, बोरिंग होता है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसे लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।